नमस्कार किसान भाइयों, आज जानेंगे हम ग्लाइकोसेट खरपतवार नाशक के बारे में पूरी जानकारी। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं हमारी वीडियो में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, एक भी चीज़ ना छोड़ें क्योंकि हो सकता है भारी नुकसान। तो किसान भाइयों, हमारे पास ग्लाइकोसेट है, एक कृषि सार कंपनी का है, एक लीटर में। इसमें टेक्निकल की बात करें तो इसमें ग्लाइकोसेट 41% SL में है। SL का मतलब होता है यदि आप इसको पानी में डालते हैं तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा पानी होगा वैसा ही बना रहेगा। इसके बाद दूसरी जो बात है, इसकी मेन बात है वो है, यह एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है यह किसी फसल में यूज नहीं किया जा सकता, इसको ओनली खरपतवारों में या घास में ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस पेड़ पर भी ये पड़ेगा वो उसको ख़त्म कर देगा। यह एक प्रकार से सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, जैसे कि ये पौधे की पत्तियों पर भी गिरता है तो पौधे की जड़ों में जाकर ये अपना कार्य करेगा, कार्य करने के बाद पौधे की जड़ों को सुखा देगा जिससे संपूर्ण पौधा सूख जाए। यह जिस पौधे पर गिर गया, जिस पत्ती पर गिर गया, वो पूरा संपूर्ण पौधा ख़त्म। इसलिए इसे हर्बिसाइडों का बाप भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे राउंडअप के नाम से भी जाना जाता है कुछ क्षेत्रों में। यदि आप राउंडअप का या ग्लाइकोसेट का स्प्रे करने के बाद यदि आधा घंटे बाद भी बारिश हो जाती है तो उसके रिजल्ट पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा, पूरा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यदि एक बात यह है कि आप इसका यूज कर रहे हैं तो खेत में नमी होना अति आवश्यक है। इसका प्रयोग खड़ी फसल पर नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी फसल ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग ओनली घासों में ही करना चाहिए, या हम जिस फसल को सुखाना चाहते हैं या बस नेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कभी आप कर सकते हैं। अब करते हैं किसान भाई तीसरी बात डोज की। तो इसका जो डोज है पर लीटर 8 ml है, यानी एक लीटर में 8 ml डालना चाहिए। जैसे कि आपकी पंप 15 लीटर या 18 लीटर की आती है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेटर कर लें। 8 ml डालने के बाद इसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जो आपका यूरिया होता है, जो नाइट्रोजन होती है, वो पर पंप 100 ml डाल लें, जिसका कि रिजल्ट और शानदार देखने के लिए मिलेगा। किसान भाई, ये बात आपको कोई नहीं बताता पर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने अपने खेतों में प्रयोग किया हो तो आप यूरिया डाल के प्रयोग करके देखना, एक बार आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मार्केटों के हिसाब से चेंज भी हो सकती है, पर इतना नहीं है, ये 350 से 500 रुपये के बीच में आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगी। 350 से 500 रुपये के लीटर के भाव में मिलेगी आपको। ये ग्लाइकोसेट है ना, इसको बंजर भूमियों में या जो खेत हैं अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं उसमें घास उगाती है, या नहरों के किनारे या मैदानों में वैसे फालतू की घास उगाती है, उसको ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके हानिकारक प्रभाव की बात करें तो किसान भाइयों, अभी 2 साल पहले पंजाब में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं, अपने कैंचुए होते हैं, उनको मार देता है, और जो अपनी दूसरी फसल लगाते हैं उस पर भी उत्पादन में बहुत साइड इफेक्ट जाता है। तो ये कृषि रसायन का हमारे पास ग्लाइकोसेट है 41% SL में, ये ऑल कल के नाम से आता है, अन्य कंपनियों के भी नाम से आते हैं, और जो इसका ग्लाइकोसेट है टेक्निकल भी ज़्यादा आते हैं अन्य कंपनियों में, मार्केट में मिल जाता पर ज़्यादातर आते हैं ग्लाइकोसेट 41% वाला चलता है SL में। तो यदि किसान भाई मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। मैं बोलूँ राजस्थानी ब्लॉग, आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। जय जवान, जय किसान।